YouTube family, welcome to Kusala Vlogs and Adam Vlogs. मैं हूँ मारिया सही. Yay! तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? और आज का व्लॉग जो है मैं रात से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज से जो है शादी की तैयारियाँ जो है हमारे घर में शुरू हो जाएंगी और आज से जो आपको मजे मजे के शादी से रिलेटेड व्लॉग्स मिलेंगे और हमारी भी खुशी होगी क्योंकि ब्राइड वाले नए नए कपड़े बनते हैं, तैयारियाँ होती हैं, मार्केटिंग होती है, खुशी होती है. तो आज क्या तैयारी होने वाली है मैं करूँगी आपसे शेयर. सबने से तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा. इसके साथ ही मुझे यहाँ पे कहना था अरमान हसन, थैंक्स फॉर कमेंट और थैंक यू. आपको कढ़ाई जो है वो अच्छी लगी, कढ़ाई बनी भी बहुत मजेदार थी. मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, थैंक यू. आपको ब्लॉग देख के मजा आया, थैंक यू सो मच. और सारा नोटी ऑप्शन, बस लड़के का फाइनल टर्म हो जाए कि कब से, तो फाइनल टर्म होने वाला होगा ना उसका फरवरी या मार्च में, फिर आप आ जाओ तो आप कहेंगे मेरी वजह से फेल कर गया. तो और आमीन सुम्मा आमीन. जी हाँ, आज से जो है मामा के सारे गुलाब जामुन और सब शादी तक बंद, क्योंकि शादी में तो मामा को डिजर्ट खाने से कोई नहीं रोक पाएगा. तो सब बंद चले थे. और अर्शद खान, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट. चलो भी ब्लॉग को करते स्टार्ट. नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब. वीडियो को नहीं किया लाइक, जल्दी से कर लो लाइक. मैं जो इस रूम में आ गई हूँ और लाइट्स ऑन कर दी क्योंकि रूम की लाइट जो है वो थोड़ी कम है हमारे. तो मेरे ख्याल से अब ठीक है. चलें जी, कैमरा जो है मम्मा को पकड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू हो रही है, इमारत की बुनियाद कहाँ से डल रही है. तो कैमरा मम्मा को पकड़ाते हैं. मम्मा आर यू रेडी? नो बेबी, बेबी पप्पी, प्लीज 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 थैंक यू. चलें मम्मा को कैमरा दे. हमारे घर पे सर्दी का सभी, एक्चुअली आज सुबह जो है सबीका ने एसी ऑन कर दिया था, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और फिर मुझे लगने लगी सर्दी और मैं बन गई छोटा सा बेबी चू. और उसके लिए जो है मुझे ये कंफर्टर उड़ाया गया, तो इसलिए जो कंफर्टर आ गया तो अब ये यहीं रहेगा क्योंकि सभी का निकाय जब तक गर्मी है तो सुबह वो रोज़ एसी ऑन किया करेगी ताकि नींद में लाइट चली जाए तो उसको फील ना हो और उसको उठ के नहीं जाना पड़े. जनरेटर ऑन करिए, उसको जनरेटर ऑन करने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है. और इसके साथ ही मुझे यहाँ पर थैंक्स कहना था मीरा ब्लॉग टू माई गुड्डा माई चिंदा माई मुन्ना, थैंक यू सो मच. और आमीन सुमा आमीन, तुम्हें मेरे बाल पसंद आए, लव यू. चले जी, निकालते हैं कपड़ा और करते हैं शादी की तैयारियाँ. नए बनते हैं तो आए, चले दिखाते हैं आपको. थैले को फाड़ दे मामा, फाड़ दो, फाड़ दो. चलो थैले को फाड़ दे, खुशी के मारे थैले को फाड़ दियो. और ये रहा मेरा गरारा और सिलेगा मेरा गरारा, दिल्ली से आया नहीं आगरा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा. मम्मी घाघरा सिलेगा मामा, ये गरारा, गरारा गरारा सिलेगा मेरा इसका और सबीका का ये गरारा है, इसके साइज का सिलेगा. तो चले जी मामा, अच्छी बिल्डिंग खड़ी हो जानी चाहिए भाई, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं. तैयारी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको गरारा कैसे मिला. ना दुल्हन की तैयारी करो, ना दूल्हा की तैयारी करो, बस मारिया का गरारा सिलो. भाई मेरा गरारा सबसे कीमती होगा, मेरा गरारा. और देखना मैंने क्या तशन डाने हैं. मैं ना पता क्या करूँ मारिया, बस सीधा सीधा तुम्हारा गरारा सिलो. कोई नहीं, मुझे वो वाला सिलवाना है भाई, लखनवी गरारा जो कि लखनऊ की बेगमात पहनती थी. मैं किसी बेगमात से कहा हूँ कैसे कैसे सीधा. नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात, मैं बच्चा नहीं हूँ आपके. मैं बच्चे में वो आप जो लहंगा हम लोग को फ्रॉक की तरह पहना देती थी और कहती लहंगा पहन लिया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ. ये देखें, ये गरारा सबीका का है और इसके नाप का जो है मेरा गरारा सिलेगा क्योंकि ये पूरा जो है मुझे आ रहा होता है. तो चले जी, इसी के पूरे साइज़ का जो सिलेगा. मम्मा गरारे की ट्रिक बताएंगी क्या है, गरारा क्यों मुश्किल है, गरारे में थैला बनना है वो एक जोड़ भी उठा के, एक जोड़ भी उठा के दिखा दीजिए. इस तरह का लखनवी गरारे में आता है. और हमारा पबजी जो है पबजी में बिजी है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख गया है वो, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए पबजी नो प्रॉब्लम. ये जोड़ आता है, ये देखिए ये जोड़ आता है. और ये गरारा जो है काफ़ी पुराना हो गया तो मैंने तो इसी को ठीक करके पहनने अंतर दिखी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है. अब नया गरारा पहनना है, मैंने बहुत गरारे पहने हैं, मैंने बहुत से गरारे और लहंगे पहने हैं ना, कि मतलब इंजॉय किया. और अब फिर से टाइम आ गया है इंजॉय करने का. एक और गरारा निकला है क्योंकि वो वाला गरारा जो है मम्मी को उसकी कटिंग जो है समझ में नहीं आई थी मम्मा को, तो मम्मा ने ये वाला गरारा निकाला है. तो अभी जो है इसके साइज़ का जो है मेरा गरारा सिलेगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ. अभी मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये वाला गरारा, ये भी कितना प्यारा है. और ये सदिया तुम पहन रही हो ना, इसमें थोड़ा सा ऑटर इन्वर्टर का काम होगा, मतलब इसकी बेल बेल चेंज, ये बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा. तो ये सभी का पहने, ये देखे कैसा लग रहा है. तो इसके साइज का जो है मेरा गरारा सिलेगा. नियत तो तुम्हारी लग रही है इस पे. नहीं मेरा नया कपड़ा है बेटा, तुम हो किस दुनिया में, तुम पहनो ये. ऑल इज गोल्ड, मतलब मैं गोल्ड हूँ. यहाँ पे देखिए ये पूरा पांच गज में गरारा, मम्मा दूर चाहिए ना, दूर से ना, दूर से मेरा पूरा गरारे का दिखाई. ने तो पागल कर दिया है गरारा, घेर वाला देखे, एक पाँव मेरा ऐसा घेर वाला होगा ये.
ढाई गज का एक पैर बनेगा, ढाई गज का एक पैर बनेगा। चले जी, ढाई किलो, ढाई किलो वाली पहनेगी, करें कटिंग इसकी। चले मैं करूँ, आप करें, आपको आता है? सही है, आप ही बनाए फिर। चलो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। चले ये तो जाएगी, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं फर्स्ट टाइम जो है कपड़ा काटू, वो भी लाइफ का जो मेरा गरारा है, मैं वो काटू। आई एम वेरी एक्साइटेड। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले 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 चले, अल्लाह हु अकबर। अल्लाह क्या हो गया, कुर्बानी हो गई। मेरा गरारा सिल रहा है, मामूली चीज है। कब से मैं लगी हुई, दो साल से कपड़ा रखा हुआ है मेरे गरारे का। समझाओ क्या तुम लोगों ने मुझे। अभी क्या क्या होगा, अब इसका लिफाफा बनेगा, इसका लिफाफा बनेगा इसका। चलिए लिफाफा बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, थैला जो है बन चुका है, और इसमें जो है देखें ये कट्स आ रहे हैं। ये उरेब थैला है, इसको जो है मामा अभी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है गरारा जो है सिल चुका है, इमारत खड़ी हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। मतलब ये कि गरारे का जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है, अभी मैं सोफे पे आपको लगा के शो करा देती हूँ, वो पूरा तैयार हो चुका है। चलिए इसको हम सोफे पे सेट करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा ये देखें गरारे में जो है, यहाँ पे देखें ये पैर जो है लग गया है, जोड़ आ गया है, लेकिन इसको अभी जोड़ा नहीं है, इसको ज्वाइंट नहीं किया, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे जो है चुनोटों पे जो है बेल लगेगी। बहुत खूबसूरत सी बेल जो मैंने देखी थी इरम में, वो हम लोग मार्केट जाएंगे, देखें कब जाते हैं, इस हफ्ते जाते हैं, नेक्स्ट वीक जाते हैं, वहाँ से बेल लगेगी। नीचे जो है नीचे बेल लगेगी, गरारे में इतनी चौड़ी समझे धनक आएगी, बेल लगेगी। उसके बाद जो है फिर गरारा जो है वो, उसके बाद जो है हमारा गरारा जो है वो डन हो जाएगा। लेकिन इमारत खड़ी हो चुकी है, इस अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन काम हो जाएगा। इसके साथ ही जो है, अच्छा ऐसे आपने बिल्कुल सही बोला, लेबोरेटरी वाले जो है वो घर पे आते हैं, लेकिन मामा जो है अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन, के वो जो है वो चाहती हैं कि नहीं मैं एक्टिव रहूँ, मैं खुद जो इस तरह से घर में आएगा वो, यानी उनको नहीं है कि फालतू के इस तरह के पैसे ना मैं चढ़ सीढ़ी चढ़ लूँगी उतरूँगी। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल मरा है, लेकिन लिफ्ट अब बनने गई हुई और सेट हो जाएगी। और आप बहुत थैंक यू, आपने कॉमेंट किया। अच्छा जी, डायबिटोलॉजिस्ट का कौन सा कॉमेंट किया आपने, वो तो मैंने भी नहीं पढ़ा कौन सा कॉमेंट है। और परेशान उस पर हमने वर्क है, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि क्या डिसाइड हमने किया है, तो अब तो जाना ही है। और इसके साथ ही नगरिश खान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। चले फिर इसी के साथ ही जो है वीडियो करते हैं, एंड नहीं किया अब तक चैनल को लाइक तो कर लो, वीडियो को लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पे कर लो फॉलो। गरारा पसंद आए तो वीडियो को प्लीज कर लो लाइक, मम्मा की मेहनत है, और अभी तो और क्या क्या चीजें बनेगी। इजाजत दीजिए तो हमें।